गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। प्रेजेंट टाइम्स में जो बिजनेस है वो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के साथ रिलेटेड है, बहुत सारे इंडिविजुअल्स के साथ रिलेटेड है जिनके साथ बिजनेस डील करता है, जैसे क्रेडिटर्स, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, एम्प्लॉयज, इन्वेस्टर्स, टैक्स डिपार्टमेंट, शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट एक्सेट्रा। और इन सब से बिजनेस की कोई भी इंफॉर्मेशन को हाइड करना इम्पॉसिबल है। अकॉर्डिंग टू कंपनीज है, जो कंपनीज हैं उनको अपने फाइनल अकाउंट्स पब्लिश करने होते हैं। जहाँ पे भी कोई कंपनी शेयर्स इशू करना चाहती है, डिबेंचर्स इशू करना चाहती है, उसे अपनी फाइनेंशियल पोजीशन और फ्यूचर प्लान्स न्यूज़पेपर्स में पब्लिश करने होते हैं। जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स हैं वो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बताती हैं, फाइनेंशियल कैपेबिलिटी बताती हैं बिजनेस की डिफरेंट पार्टीज़ को जो उसमें इंटरेस्टेड हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं वो किसी एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज में कुछ सर्टेन रूल्स के अकॉर्डिंग प्रिपेयर की जाए, और जिन रूल्स के अकॉर्डिंग उसे प्रिपेयर किया जाता है, जिस स्टैंडर्ड लैंग्वेज में वो स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की जाती हैं, उन्हीं को हम जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहते हैं। पूरे वर्ल्ड में ऑल कंट्रीज जो हैं वो इन जनरल गाइडलाइंस को फॉलो करती हैं जब वो अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स बनाती हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग है वो डेवलप हुए हैं। बिजनेस के एक्सपैंड होने से अकाउंटेंट्स जब रिकॉर्ड्स रखते थे तो डिफरेंट प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस की, और जब उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उन्होंने ढूंढा तो वही सॉल्यूशन जो दूसरे अकाउंटेंट्स थे उन्होंने एक्सेप्ट किए, और इस तरीके से वो जो सॉल्यूशंस थे वो रूल्स बन गए, और वो रूल्स थे आगे जाके प्रिंसिपल्स बन गए। देन मीनिंग क्या है आपका प्रिंसिपल का? प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल का मतलब है वो रूल्स, वो कन्वेंशंस अकाउंटिंग्स के जिन्हें आप फॉलो करते हैं, उन्हीं को हम कॉमनली प्रिंसिपल्स कहते हैं। अकॉर्डिंग टू हार एंड एंथनी द रूल्स एंड कन्वेंशंस ऑफ अकाउंटिंग आर कॉमनली रेफर टू एज प्रिंसिपल्स। करेक्टरिस्टिक्स क्या है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के? इन डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग जो निकल के आते हैं करेक्टरिस्टिक्स, फर्स्ट है आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सल। जो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स हैं वो यूनिवर्सल है। इसका मतलब कि ये कोई एक कंट्री के जो अकाउंटेंट्स हैं वही नहीं इन्हें फॉलो कर रहे हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट जो कंट्रीज हैं वहाँ पे जो अकाउंटेंट्स हैं वो उन रूल्स को फॉलो करते हैं। देन नेक्स्ट इज योर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन जर्नल लॉस। जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं वो जर्नल लॉस के ऊपर बेस्ड हैं। जो ये प्रिंसिपल्स हैं वो कम्प्लीटली सर्टेन नहीं है, ना ही आप इसे वेरीफाई कर सकते हो एक्सपेरिमेंट से, जैसे हम फिजिकल और केमिकल साइंसेस को करते हैं। जैसे हमारा न्यूटन का लॉ है, ग्रेविटी का लॉ है, वो हर जगह फॉलो होगा। आप कहीं पे भी एक्सपेरिमेंट कर लो वो सेम रिजल्ट देगा। लेकिन जो ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं वो उस तरीके से आप जैसे फिजिकल और केमिकल साइंसेस को जो प्रिंसिपल्स हैं उन्हें आप वेरीफाई करते हो एक्सपेरिमेंट से, आप इन्हें वेरीफाई नहीं कर सकते। जर्नल लॉस का मतलब है कि जहाँ पे जर्नली एक्सेप्टेंस मिली है इन प्रिंसिपल्स को डिफरेंट अकाउंटेंट्स के थ्रू, तो उसके बेसिस पर ये फॉर्म हुए हैं, और इसी एक्सेप्टेंस ने इन्हें डेवलप किया है। नेक्स्ट इज योर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर डराइव्ड बाय आर्ग्यूमेंट एंड एक्सपेरिमेंट्स एक्सपीरियंस। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को आप चेक नहीं कर सकते वेरिफिकेशन से, ना ही उसे रिटर्न लॉ से आप डराइव कर सकते हो, जैसे मैथमेटिकल इक्वेशंस आप डराइव करते हो, नहीं। ये जो डराइव होते हैं ये डराइव होते हैं नेसेसिटी से, एक्सपीरियंस से और आर्ग्यूमेंट से। जो आपका सराउंडिंग एनवायरनमेंट है वो इफ़ेक्ट करता है इंफॉर्मेशन ऑफ दीज प्रिंसिपल्स को। तो जो भी आपका सोशल, इकोनॉमिकल, फिजिकल, पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है उसे कंसीडर किया जाता है जब भी इन प्रिंसिपल्स को फॉर्म किया जाता है। देन नेक्स्ट जो है हमारा दैट इज़ टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला बेसिक कंसेप्ट्स और अजम्पशंस, देन बेसिक प्रिंसिपल्स एंड देन मॉडिफाइंग प्रिंसिपल्स।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यही जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, इन्हें आप डिफरेंट नेम से जानते हैं, कंसेप्ट्स कह देते हैं, कभी कन्वेंशंस कह देते हैं, कभी एजम्पशंस, पोस्टुलेट्स, एसेट्रा, जो वर्ड्स हैं आप इनके लिए यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले जो हम कर रहे हैं, दैट इज़ बेसिक कंसेप्ट्स और एजम्पशन। कंसेप्ट का मीनिंग है वो एजम्पशन जो एक्सेप्ट किया गया है और जिसे जो लोग हैं वो फॉलो करते हैं। तो कौन कौन सी एजम्पशंस हैं? सबसे पहला है द बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है अकाउंटिंग का। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो बिजनेस है वो एक डिफरेंट पार्टी है ऑल टुगेदर, डिफरेंट पर्सन आप उसे ट्रीट करते हो उसके ऑनर से। ऑनर अलग पार्टी है और जो बिजनेस है वो अलग पार्टी है। बिजनेस को आप आर्टिफिशियल पर्सन की तरह ट्रीट करते हैं, तो जो ऑनर है बिजनेस का वो सेपरेट है अपने बिजनेस से। जो भी आप बुक्स बिजनेस की बनाते हैं, जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस आप रिकॉर्ड करते हैं, वो ऑनर से सेपरेटली करते हैं। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो बिजनेस का होगा, जो ना कि ऑनर्स का। सिमिलरली जो भी बैलेंस शीट है वो बिजनेस की होगी, जो उसकी फाइनेंशियल पोजिशन डिपिक्ट करेगी, ना कि ऑनर की। ऑनर को हम बिजनेस का क्रेडिटर मानते हैं, मैनेजर मानते हैं बिजनेस का। इसी बेसिस के ऊपर, इसी कंसेप्ट के बेसिस के ऊपर जो इंटरेस्ट है, हम जो ऑनर है आपका उसके कैपिटल पे हम इंटरेस्ट पे करते हैं जो उसने बिजनेस में इन्वेस्ट की है। और इसी कंसेप्ट के बेसिस पर जो उसकी ड्राइंग्स हैं, जो ऑनर ने ड्राइंग्स निकाली हैं बिजनेस से, उस पे हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। और इसी कंसेप्ट की वजह से जो हाउस है ऑनर का, उसकी पर्सनल कार, पर्सनल इनकम, एक्सपेंसेस, वो बिजनेस से सेपरेट रखे जाते हैं। अगर आपके दो बिजनेस हैं तो आप दोनों बिजनेस को अलग अलग मेंटेन करते हो। दोनों बिजनेस की जो बुक्स होंगी वो अलग अलग होंगी, क्योंकि दोनों जो हैं वो सेपरेट एंटिटीज़ हैं। और ये जो कंसेप्ट है वो एप्लीकेबल सभी टाइप की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस पे होता है, सोल ट्रेडर पर भी, पार्टनरशिप फॉर्म पर भी, कंपनी एसेट्रा पर भी। देन नेक्स्ट है हमारा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम ये एज्यूम करते हैं कि जो बिजनेस है वो कंटिन्यू रहेगा लॉन्ग टाइम तक, और वो नियर फ्यूचर में क्लोज नहीं होने वाला है। इसी कंसेप्ट के बेसिस पर जो एसेट्स हैं बैलेंस शीट में, हम उन्हें रिड्यूसिंग डेप्रिसिएशन के फॉर्मेट में रिकॉर्ड करते हैं, उसकी एक्चुअल कॉस्ट की बजाय, ना ही हम उसे मार्केट प्राइस पर शो करेंगे। जैसे आपने अगर एक मशीन परचेज की है 16 लाख रुपीज़ की, और उसकी जो लाइफ है 8 ईयर्स है, तो आप प्रॉफिट और लॉस जब असर्टेन करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस जब आप पता करेंगे, तो उस 16 लाख की कॉस्ट को आप 8 ईयर्स में डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि जो बिजनेस है वो गोइंग कंसर्न है। एसेट्स को हम मार्केट प्राइस पर रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि जो बिजनेस है उसमें वो यूज़ होनी है, हम उसे मार्केट में सोल्ड नहीं कर रहे हैं। देन नेक्स्ट है हमारा अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। इसे हम अकाउंटिंग ईयर कंसेप्ट भी कहते हैं। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम ये एज्यूम करते हैं कि जो बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म तक वर्क करेगा, लेकिन एक सर्टेन पीरियड के बाद आपको प्रॉफिट एंड लॉस बिजनेस का जानना ज़रूरी है। अदरवाइज तो अगर हम कहीं किसी भी चीज़ से अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस जानना है, कंप्लीट प्रॉफिट एंड लॉस जानना है, तो वो सिर्फ तब पॉसिबल होता है जब उस चीज़ का स्टार्ट होने के बाद वो चीज़ एंड हो जाए। मतलब जो कंप्लीट प्रॉफिट एंड लॉस है बिजनेस का, वो आप तभी जान सकते हैं जब कंप्लीट क्लोजिंग हो जाए बिजनेस की, आफ्टर अ सर्टेन पीरियड। लेकिन हम बिजनेस को क्या मान रहे हैं? अभी पीछे जो हमने कंसेप्ट किया गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है, लेकिन हमें अगर बिजनेस को चलाते रहना है तो हमें टाइमली ये जानना ज़रूरी है कि बिजनेस जो भी एक्टिविटीज़ कर रहा है उससे उसे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। क्योंकि एट द एंड अगर क्लोजिंग आप बिजनेस की करके जानोगे प्रॉफिट और लॉस, तो उसका फ़ायदा नहीं है। आप आगे स्टेप्स नहीं ले सकते अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए। अगर आपको स्टार्टिंग से पता है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो आप उसे आगे बढ़ा सकते हैं। लॉस है तो आप उसे कम करने के लिए स्टेप्स लेंगे, प्रॉफिट है तो उसे और इनक्रीज़ करने के लिए स्टेप लेंगे।
तो प्रॉफिट और लॉस अगर हम बिजनेस का लॉन्ग टाइम के बाद जानेंगे तो वो किसी यूज़ का नहीं होगा डिफरेंट पार्टीज़ के लिए। तो इसीलिए ज़रूरत पड़ी एक सर्टेन पीरियड की, जिसके बाद बिजनेस की एक्टिविटीज़ का रिजल्ट क्या है जानना ज़रूरी है। तो इसीलिए जो हर एक बिजनेस है वो एक अकाउंटिंग पीरियड को फॉलो करता है, जहाँ पे वो अपनी उस अकाउंटिंग पीरियड में जो भी एक्टिविटीज़ हुई उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करता है। नॉर्मली ये जो पीरियड होता है वो 1 ईयर का होता है, और दो अकाउंटिंग ईयर हो सकते हैं, अकाउंटिंग पीरियड हो सकते हैं। एक है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, और दूसरा है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। जो कंपनीज एक्ट है उसके अकॉर्डिंग ये मैंडेटरी है कि अगर कंपनी है तो जो अकाउंटिंग ईयर है वो फॉलो करेगी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ जो हैं उन्होंने इनकम टैक्स एक्ट जो है उसके अकॉर्डिंग जो फाइनेंशियल ईयर है वो कंपलसरी है बिजनेस के लिए 1 अप्रैल से 31 मार्च का। देन नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है दैट इज़ मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग सिर्फ वो ट्रांजेक्शन्स बिजनेस में रिकॉर्ड होगी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होंगी, जिन्हें आप एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। जैसे अगर आपने मशीन परचेज की है 2 लाख रुपीज़ की, कंप्यूटर आपने बेचा 35,000 का, गुड सोल्ड की आपने गोपाल को 26,000 की, अमाउंट रिसीव हुआ आपसे आपने रिसीव किया महेश से 45,000 का, वेजेस आपने दिनेश को पे किए 3,500, तो ये सारे इवेंट्स जो हैं वो कॉमन आप कहें यूनिट में एक्सप्रेस्ड हैं दैट इज़ रुपीज़। तो इन सबको आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं। कोई भी इवेंट वो कितना भी इम्पॉर्टेंट क्यों ना हो बिजनेस को, अगर आप उसे इन टर्म्स ऑफ मनी एक्सप्रेस नहीं कर सकते तो आप उसे बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो ये थे हमारे बेसिक कंसेप्ट्स और एजम्पशंस। नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज बेसिक प्रिंसिपल्स, इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।